नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम इमेज की प्रॉपर्टी करेंगे राउंड इमेज के लिए और इमेज का थंबनेल क्रिएट करने के लिए। तो दो प्रॉपर्टीज के ऊपर आज हम वर्किंग करेंगे, एक इमेज को राउंड कैसे किया जाता है और एक किसी भी लार्ज इमेज के हम थंबनेल्स को कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राउंड इमेज की, जिसके अंदर हम यूज करते हैं बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का किसी भी इमेज को राउंड क्रिएट करने के लिए। तो पहले एग्जाम्पल मैंने बॉर्डर रेडियस लिया 8 पिक्सल। अगर आप देखते हो तो ये कॉर्नर मेरा यहाँ इसने राउंड के अंदर रिप्रेजेंट करा हुआ है और 8 पिक्सल के हिसाब से वर्किंग को वो परफॉर्म कर रहा है। अगर मुझे इमेज कंप्लीट राउंड चाहिए तो मैं इस तरह से उसको बॉर्डर रेडियस 50% दूंगा और वो पूरी की पूरी इमेज मेरी यहाँ पर राउंड शेप में रिप्रेजेंट हो जाती है। तो हम देखते हैं अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल के अंदर इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक पेज क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर मैंने हेड टैग लगाया है, बॉडी टैग लगाया है, बॉडी के अंदर एक इमेज मैंने प्रोवाइड की है और हम आउटपुट देख लेते हैं कि उस इमेज का आपको रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो ये इमेज उसने मुझे यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है, मेरा इमेज डिस्प्ले हो रही है। मैं इस इमेज के कॉर्नर को राउंड करना चाहता हूँ, तो जब मुझे कॉर्नर को राउंड करना है तो मुझे के बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी के ऊपर काम परफॉर्म करना पड़ेगा। तो मैं अपने एडिटर पे जाता हूं और हेड टैग में मैं स्टाइल टैग लगा लेता हूं, क्योंकि मुझे सीएसएस के अंदर वर्किंग को परफॉर्म करना है। मैंने स्टाइल टैग को क्लोज किया और यहाँ पर मैंने ले लिया एक IMG1 नाम से क्लास, क्योंकि मुझे मैक्सिमम काम जो करना है वो इमेज के ऊपर करना है। तो मैं यहाँ पर Image1, Image2, Image3 इस तरह से क्लासेज बनाऊंगा और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। मैं अपने इमेज टैग में गया, यहाँ पर मैंने उस क्लास को फॉलो करवा दिया, क्लास है मेरी Image1। मैं सेव करता हूँ, अपने ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए इसके कॉर्नर यहाँ पर जो है वो राउंड रिप्रेजेंट हो चुके हैं। मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपकी इमेज इसने कितनी राउंड की है। मैंने 40 पिक्सल कर दिया, मैं अगेन ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश किया, अब आपके लिए ये क्लियर है कि आपकी इमेज यहाँ पर राउंड परफॉर्म हो चुकी है। रेडियस प्रॉपर्टी का मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से वर्किंग परफॉर्म करती है, तो मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब मैं कहता हूँ कि मुझे इमेज तो चाहिए लेकिन मुझे इमेज पूरी की पूरी राउंड में चाहिए, तो उस केस में हम करते हैं Image2 का यूज और यहाँ पर ले लेते हैं 50%। आप पिक्सल के अंदर भी वर्किंग को परफॉर्म कर सकते हो और परसेंटेज के अंदर भी। मैंने वही इमेज दोबारा ली, आपके सामने दो इमेजेस रिप्रेजेंट हो रही है सेम साइज की, सेम इफेक्ट की। अब मैं दूसरी इमेज को राउंड के अंदर रिप्रेजेंट करूंगा, तो मैंने यहाँ पर Image2 क्लास का यूज किया, प्रोग्राम को सेव किया, अपने ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए पावर ऑफ नॉलेज एकेडमी उसने राउंड शेप के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया, अब जो दूसरे से मुझे कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं उसको बॉर्डर देना चाहता हूँ नहीं देना चाहता, बॉर्डर देना मुझे किस कलर का देना है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं यहाँ पर यूज कर देता हूँ बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड और ग्रीन। इन प्रॉपर्टीज का यूज किया, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए उसने वो इमेज आपको उसी तरह से रिप्रेजेंट करके शो कर दी। अब आपकी इस इमेज के ऊपर आपको बॉर्डर रिप्रेजेंट हो रहा है, आप इजीली वर्किंग को यहाँ पर यूज कर पा रहे हो। अब जो मेरी इमेज का एक्चुअल साइज है वो एक्चुअल साइज मेरे सामने रिप्रेजेंट हुआ है और मुझे इसके थंबनेल्स क्रिएट करने हैं, तो उस थंबनेल को क्रिएट करने के लिए हम किन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये है मेरी थंबनेल इमेज, तो इसमें मैंने बॉर्डर लिया 1 पिक्सल सॉलिड और उसका कलर, जिससे वो मुझे एक कलर के अंदर बॉर्डर रिप्रेजेंट कर दे। बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल, पैडिंग 5 पिक्सल, विड्थ 150 पिक्सल। मैंने इमेज को विड्थ प्रोवाइड कर दिया, अब इमेज अपने आप ही छोटी हो जाएगी। तो हम एक बार इस प्रॉपर्टी का यूज करके देखते हैं कि किस तरह से ये वर्किंग को परफॉर्म कर रहा है। तो मैंने यहाँ एक क्लास और बनाई Image3 के नाम से और इसके अंदर मैंने विड्थ प्रॉपर्टी को यूज कर दिया। जब मैंने विड्थ प्रॉपर्टी यूज की वो मेरे ऊपर डिपेंड करता मैं कितनी करना चाहता हूं 50 पिक्सल। मैं चाहूं मैं इसकी हाइट भी यूज कर सकता हूं, मैंने हाइट भी इसकी 50 पिक्सल ही ले ली है कि मैं 50x50 का यहां थंबनेल क्रिएट करना चाहता हूं। सेव किया, बॉर्डर रेडियस मैं यहां 50 पिक्सल ले लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा विजिबल हो जाए देखने में। मैं 20 पिक्सल ले लेता हूं बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर पहले मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। मैं अपनी एक और इमेज को यूज करता हूं और यहां पर यूज करता हूं Image3 क्लास को, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए उसने मुझे उसका थंबनेल क्रिएट करके रिप्रेजेंट कर दिया। मेरा थंबनेल यहां इजीली क्रिएट हो चुका है। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास विड्थ थोड़ी कम हो गई, मैं कहता हूं मुझे 150x150 की इमेज रिप्रेजेंट करनी है। सेव, रिफ्रेश, तो ये देखिए उसने 150x150 में वर्किंग मुझे रिप्रेजेंट करके शो कर दिया। आप इजीली इस वर्किंग को परफॉर्म कर सकते हो। इसी तरह से आप दूसरी देखते हो, मैंने एक और इमेज क्लास ली है, सब कुछ करा लेकिन इमेज के ओवर इफेक्ट पे मैंने कहा कि बॉक्स शेडो हो जाए और शेडो को जो भी मैं साइज देना चाहता हूं वो मैंने उसको प्रोवाइड कर दिया। तो यहां 0, 0, 2 पिक्सल, 1 पिक्सल, RGB जो भी कलर मैं इसको यूज करना चाहता हूं मैं अपने हिसाब से कर सकता हूं। ये मेरी ओपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है 0.25, तो हम उस हिसाब से वर्किंग को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि अल्फा आपको पता है ऑप्शन किस लिए आपका यूज किया जाता है। तो हम अब इमेज ओवर प्रॉपर्टी के ऊपर काम, बॉक्स शेडो 0, 0, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, RGBA 120, 150, 100, 0.6, इतनी वर्किंग को परफॉर्म किया। मैंने सेव किया,
फॉक्स शेडो रिफ्रेक्ट। तो ये देखिए उसने मुझे उस तरह का यहाँ पर ऑप्शन रिप्रेजेंट कर दिया कि मैं किस तरह से उसको यूज करना चाहता था। अब थंबनेल के अंदर होता क्या है, जैसे मैं क्लिक करूंगा वो उसकी एक्चुअल इमेज रिप्रेजेंट कर देगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ पर एंकर टैग लगाना है और एंकर टैग पे आपको उस वर्किंग को परफॉर्म करवा देना है। एंकर एच रेफरेंस इक्वल टू, यहाँ पर हम दे देते हैं जो भी हमारी इमेज है, इमेज टू डॉट पीएनजी टारगेट अंडरस्कोर सेल्फ, कि इसी पेज के ऊपर वो पेज आपका ओपन करके रिप्रेजेंट कर दे। तो मैं यहां पर ले लेता हूं एंकर टैग की क्लोजिंग, सेव किया, रिफ्रेश किया, लिंक क्रिएट हो चुका है। क्लिक करता हूं उसने उसी पेज पर मुझे इमेज रिप्रेजेंट करके शो कर दी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसी वर्किंग करना चाहते हो। अब इसी चीज को अगर मैं यहां से इस चीज को हटा दूं और सिंपल इमेज टैग के लिए ले लूं तो ये चीज मेरी हर इमेज के लिए अवेलेबल हो जाएगी। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी भी वर्किंग को आप किस तरह से परफॉर्म करवाना चाहते हो। तो फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास में इतना ही था, थैंक यू।